देखिए राजीव जी, अब ये तो कांग्रेस की जो आगे की रणनीति होगा उस पर तय करेगा कि कांग्रेस इसको अपने जन समर्थन में तब्दील कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस की अंदरूनी चीजें हैं वो कांग्रेस को मुझे लगता है काफी पीछे धकेलती रही हैं अभी तक की जो चीजें हैं। तो कांग्रेस अब जिस तरीके से इस पर अपना पलटवार करेगी उससे काफी कुछ निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से अपने जन समर्थन में बदल पाती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही बात है, जैसा हम लोगों ने सुरजेवाला की बाइट सुनी और सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह जो है बहुत डरा हुआ है, तो देखिए तानाशाह बहुत डरा हुआ नहीं, तानाशाह डरा हुआ ही होता है, क्योंकि तानाशाह जब डरा हुआ होता है तभी वो इस तरीके के वार किया करता है। और तानाशाह का ये पुराना इतिहास है कि वो इस तरीके के काम किया करता है। तो आपको याद होगा 27 सितंबर 2013, मैं बिल्कुल तारीख याद करके बता रहा हूँ आपको, अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री तत्कालीन जो उस समय के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय तक घोषित हो चुके थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उनको जो है वो कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है और CBI का जो है दुरुपयोग कर रही है। और बहुत लंबी चिट्ठी थी वो, और उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत का तमगा दे के चुके थे। तो उस देहाती औरत के तमगे पाए हुए व्यक्ति को अरुण जेटली की चिट्ठी गई थी, और उसमें बहुत लंबी चौड़ी बात की गई थी कि सोहराबुद्दीन जो केस है फर्जी एनकाउंटर का, इशरत जहां एनकाउंटर का केस है उसमें जो है वो परेशान किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, और उसमें अमित शाह को जो है बिना किसी सबूत के जो है गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे, उन्होंने लिखा कि बिना किसी सबूत के अमित शाह को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस समय जज भी बन गए थे अमित शाह, अरुण जेटली जी लिखते हुए कि अमित शाह को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वही चीजें हैं, मुझे लगता है कि उस समय कांग्रेस के अंदर जो एक बड़े समझे जाते थे कि बहुत बड़े वो चाणक्य हैं और सब कुछ जो मैनेज करते हैं, स्वर्गीय हो गए, अब नाम लेना नहीं चाहूंगा, अब स्वर्गीय हैं, कहा जाता है कि उन्होंने उस समय जो थी वो बड़ी भूमिका निभाई और वो मामला सेटल कराने में। अगर वही उस समय जो CBI अपना जो काम कर रही थी वो करने दिया गया होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं हुई होती, सामने नहीं आई होती, इस तरह की चीजें सब सामने नहीं आई होती। तो कांग्रेस की जो पिछली गलतियां हैं, जो उसने ये कहिए कि राजनीतिक सदाशयता दिखाने के लिए जो कुछ किया, वो आज उसकी गलत हो रहा है। तो ये कांग्रेस को सबक लेने की चीज है कि राजनीतिक सदाशयता जो है वो सदाशय लोगों के साथ की जाती है, धूर्त लोग जो होते हैं उनके साथ कोई सदाशयता कभी नहीं करनी चाहिए। अब कांग्रेस को कब मौका मिलेगा और कब वो सदाशयता जो नहीं दिखाएगी वो अलग का सवाल है, लेकिन जो पिछली गलतियां सदाशयता दिखानी कर चुके हैं तो उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा कुल मिलाकर के। लेकिन कांग्रेस के लिए पास ये अच्छा मौका है कि ये जो आज से 6 महीने बाद या साल भर के बाद जो काम करना चाहिए था मोदी सरकार को वो 2 साल पहले कर रही है, चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले। तो यानी 2 साल जो है वो लगभग चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के पास भी है, और मोदी सरकार को घेरने के लिए और इसके खिलाफ जाकर के जनसमर्थन तैयार करने के लिए सड़क पर उतरने की अब कांग्रेस को निश्चित तौर पर आवश्यकता है। सिर्फ ट्विटर से बातें करके, सुरजेवाला जी की जो है वो किताब पढ़ के और लोकतंत्र बोल करके जो है वो काम चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र तो होता रहेगा, लोकतंत्र में तंत्र मंत्र सब कुछ चलते रहेंगे, लेकिन सड़क पर जब तक कांग्रेस नहीं उतरेगी तब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो सड़क की है और सड़क पर कांग्रेस को उतरना पड़ेगा, चूंकि ये सरकार जिस तरीके के कर्मों में विश्वास रखती है तो ये राजनीतिक कदम नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का इस सरकार के ऊपर प्रभाव है उनकी मानसिकता जो वो दूसरी तरीके की, वो राजनीतिक लोग नहीं है किसी भी तरीके से, ये अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो राजनीतिक काम किया करते हैं। तो राजनीतिक लोग नहीं है ये, तो इनके साथ राजनीतिक तरीके से बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। सड़क पर उतरना पड़ेगा आपको, 2024 की तैयारी करनी होगी, जेल जाना है जेल जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बिना सड़क होते हुए अब काम नहीं होगा। 2 साल पूरा कांग्रेस को जो है इस सरकार के खिलाफ नाक पे दम करना चाहिए, सड़क पर उतर करके, तभी कुछ होगा, वरना तो इस तरह की चीजें चलती नहीं। राज्य कुछ होने वाला नहीं है मुझको लगता।